प्यारे दोस्तों, आज हमारे साथ फिर हमारे विद्यार्थी आए हुए हैं। इनका काफी समय से अकाउंट्स की इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। तो कमल जी, आप ये बताइए, आपने चंडीगढ़ में एक अच्छी कंपनी में काम किया एक साल अकाउंट्स असिस्टेंट का, तो क्या नाम था कंपनी का? सर, उस कंपनी का नाम था स्कोट एडिल। अच्छा, तो वहाँ आपने आपकी कौन सी पोस्ट थी है? वहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट। तो वहाँ आपने क्या क्या काम सीखा? वहाँ पे मैंने मतलब परचेज की एंट्री करता था, मैं परचेज के पूरे बिल वेरीफाई करता था। परचेज का जितना भी डिपार्टमेंट था उसका रिकॉर्ड रखना वो आपके हाथ में था सर, और उसको उस डाटा को पूरे सॉफ्टवेयर में डालना। ठीक है, मतलब कैसे आप एंट्री करते थे परचेज की? परचेज में मतलब पहले तो रेट चेक करना, जो है जो खरीद के आए हैं उसका रेट आपने वेरीफाई। क्या चीज खरीदते थे वो वहाँ? वहाँ पे पैकिंग का अलग होता था, रॉ मटेरियल अलग होता था। अच्छा, मटेरियल मतलब उसका उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो कौन से चीज, केजी में होता था, टन में आता था, कैसे आता था? उसका केजी में आता था। केजी, क्या सामान था वहाँ? वहाँ पे जैसे दवाइयाँ बनती हैं, जिससे इंजेक्शन बनते हैं, इंजेक्शन उनमें जो यूज होता है, सुक्का पाउडर कुछ भी, ठीक है, ला लो आप रॉ मटेरियल या पैकिंग की बोतलें होगी, इंजेक्शन हो गए या लेबल हो गए, वो केजी के हिसाब से आप मापते हैं। क्या उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक ही था? नहीं, यूनिट का तो अलग 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 है, किसका केजी में, किसका पीस में भी होगा। पीस में भी, तो उस हिसाब से आप सबसे पहले रेट चेक कर लेते थे जो बिल में लिखा हुआ है। Yes, और जो उसमें उसको क्या कहते हैं हम? टैली करते थे उसको, टैली कहते हैं। यानी कोई चीजें ऐसे भी होती हैं अकाउंट्स में जिसको हमें वेरीफाई करना होता है। हाँ, जैसे रेट चेक करना होता है, जैसे है। हमने रेट जैसे पीओ में दे रखा था तो पीओ से टैली करना चाहिए। नहीं, मतलब कि वो क्यों करते हैं वो वेरीफाई? इसीलिए अकाउंटेंट जैसे आप असिस्टेंट हो, वो आप क्यों कर रही हो ये काम? वो वेरीफाई इसीलिए कर रहे हैं ना, रेट कम ना लगाया हो या ज्यादा ना लगाया हो। यदि उसने जैसे हमने परचेज किया उन्होंने रेट ज्यादा लगा दिया कंपनी ने, तो हम उनको डेबिट नोट डाल देंगे। यदि काम किया फिर क्रेडिट नोट डाल देंगे। सेम ऐसा ही काम आपने यहाँ भी किया था, हमने सर्व लेके आए थे तो आपकी ड्यूटी थी कि क्या रेट उसमें जो लिखा हुआ है उस हिसाब से हमने दिया है, कितना कितना प्रॉफिट है, यही काम हमने यहाँ भी किया था। ठीक। तो इसके अलावा और काम क्या सीखा आपने? इसके अलावा एक्साइज का देखता था उसमें, वर्धमान में एक्साइज वहाँ पे। नहीं, इसी इस कंपनी में मैंने बताया, एक साल में आपने सिर्फ एक ही काम सीखा भी, और ही काम? नहीं, मेरे पास वहाँ यही परचेज का काम था। मीन्स एक साल तक नॉन स्टॉप वो सिर्फ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी थी कि आप जो बिल है उनको वेरीफाई कीजिए। कभी ऐसा भी हुआ कि जो वेरीफाई किए हैं उसमें मिस्टेक निकली हो? नहीं ऐसा। कैसे? मीन्स आप जैसे एक साल में कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कोई मिस्टेक निकाली हो? हाँ, मिस्टेक निकलती थी, बहुत निकलती थी, नोट बहुत डालते थे। मीन्स उसमें मतलब कि कंपनी को अगर रेट ज्यादा लग गया तो उसको तो बहुत घाटा हो गया, तो उसका आपने फायदा किया कंपनी का? हाँ। अच्छा, मतलब क्या फिर उसके बाद क्या कहते थे? मतलब जैसे गलती निकल गई, गलती निकल गई जैसे कंपनी की, ठीक है, डेबिट नोट डालना है तो डेबिट नोट डाल देते हैं, ठीक है, क्रेडिट नोट डालना है तो क्रेडिट नोट, हम भी अब उनके खाते को अपने उसमें डेबिट क्रेडिट जो करना है कर लेते हैं। अच्छा, नहीं, कौन सा सॉफ्टवेयर चलाते थे? मार्क सॉफ्टवेयर। मार्क सॉफ्टवेयर, वो अकाउंटिंग का उनका अपना सॉफ्टवेयर था। वैसे तो मार्केट में टैली मेन चल रहा है, टैली मेन चल रहा है, मार्क सॉफ्टवेयर उनका अपना बनाया हुआ था। वो मेन इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करने का काम लेते थे। तो क्या क्या मतलब उनकी इन्वेंटरी थी, कुछ उसकी डिटेल बताओगे? किस तरह की, हजार तरह की आइटमें होती हैं, तो किस तरह की आइटमें आप उसमें रिकॉर्ड करते थे? सर, पैकिंग में बहुत सारा सामान आता है, जैसे बोतलें होगी, ठीक है, सीसी होगी। मेन उनके हेल्थ इंडस्ट्री है, उनकी हेल्थ इंडस्ट्री का है। एनिमल हेल्थ है कि ह्यूमन हेल्थ है? ह्यूमन है, मैं ह्यूमन हेल्थ है, उसकी सेहत से संबंधित सभी मेडिसिन दवाइयां वो उनके पास। ये किनको सेल करते थे वो डिपार्टमेंट आपको, आपके साथ जुड़ा हुआ था? नहीं, वो दूर दूर के सेल सेल के होते हैं ना। नहीं, जैसे देखो, अगर आपका परचेज डिपार्टमेंट में है तो आपका माल इशू होगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको थी कि मतलब जब भी कोई इशू होता है? वो एक और अकाउंट असिस्टेंट था, वो अलग था। देखो दोस्तों, हर कंपनी में या बहुत सारे अकाउंट असिस्टेंट होते हैं तो काम को धीरे धीरे हिस्सों में बांट दिया जाता है। इनका काम था सिर्फ परचेज जो आया उसको रिकॉर्ड करना। एक दूसरा है, जब इशू जाएगा, चाहे वो इंटरनल ट्रांसफर है, एक वेयर हाउस है, क्या वो वेयर हाउस था कि वो खरीद का एक स्टोर था?
कैसा था? नहीं, उनका जो मतलब फैक्ट्री थी वो बद्दी थी, यहाँ पे सिर्फ एक ऑफिस था बना हुआ। मीन्स बद्दी में वो वहाँ के आपसे पहले कच्चा माल आता था, वहाँ प्रोडक्शन की फैक्ट्री किसी कहीं और थी। यस सर, बद्दी में फैक्ट्री थी। बद्दी तो आपको एक छोटे से लेवल पे उन्होंने ये सिखाया कि परचेज कैसे करना है। तो इसके लेवल आगे भी होते हैं कि मीन्स या तो वो सेल के लिए जा रहा है या फिर उनकी फैक्ट्री में है, तो उसको कहते हैं स्टॉक कंज्यूम्ड। तो वो कितना कितना स्टॉक कंज्यूम हुआ तो उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन नहीं लगता जो कंपनी की होती है। तो इस हिसाब से आगे आगे काम चलता जाता है। बहुत खुशी हुई है आपने शेयर किया, ठीक है। कभी ऐसा भी हुआ कि आपसे कोई मिस्टेक हुई हो? मिस्टेक तो हो जाती है सर, फिर मतलब जो हमारे बॉस होते हैं ठीक है वो कर देते हैं, ठीक है, ओके ओके, उसकी वो एक्टिवेशन कर देते हैं। तो बहुत खुशी हुई, आपको भी अच्छा लगा? यस सर। कि मतलब कि हम जब शेयर करते हैं नॉलेज बताते हैं, उस वक्त हमें दिमाग में ना एकदम वो चीजें दोबारा याद आ जाती हैं। यस सर। जैसे आपने कल को किसी को सिखाना है तो आपको अच्छी तरीके से याद आएगा कि हाँ ये मैंने काम किया है, वरना इंसान भूल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।